क्या है NH1 की दरिंदगी का सच? मुरथल में गैंग रेप। इस वारदात का भले ही अभी तक गवाह नहीं है, लेकिन इस कथित घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचो कैसा होगा मंजर। रू काम फूटी होगी उन लोगों की जिन्होंने ये मंजर देखा होगा, और जरूर सोचा होगा कि ये हमारा आजाद भारत है, ये हमारा हरियाणा है, क्या ये हमारे हरियाणवी भाई हैं? आंदोलन की आड़ में दरिंदगी की अति हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाट आंदोलन के दौरान मुरथल हाईवे पर कथित रूप से 10 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बीते सोमवार की सुबह कुछ वाहनों को रोककर उनमें सवार महिलाओं के साथ खेतों में ले जाकर सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद पीड़ित महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहीं खेतों में छोड़ दिया गया। इन रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि 17 फरवरी की सुबह 4 बजे के करीब 30 उपद्रवियों ने मुरथल के पास NH1 पर NCR जाने वाले वाहन रोके और कुछ को आग लगा दी, जिसमें बस भी शामिल थी। कई लोग भाग गए पर कुछ महिलाएं रह गई। उपद्रवियों ने इनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद कुल 10 महिलाओं से गैंगरेप किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चश्मदीदों के मुताबिक रेप के बाद महिलाओं को खेतों में ही छोड़ दिया गया। निकटवर्ती गांव के लोग कपड़े और कंबल लाए, और जिसके बाद पीड़िताओं ने खुद को ढका। हालांकि घटना की सूचना पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पीड़ितों को मेडिकल मदद और जांच के बजाय परिजनों पर महिलाओं को घर ले जाने का दबाव बनाया गया। पीड़ितों को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के लिए कहा। निकटवर्ती ढाबा संचालकों ने चुप्पी साध ली और इस घटना की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन ढाबे के पास से महिलाओं के फटे कपड़े मिलने के कारण मामला फिर से गर्मा गया है, और हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं।